नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया 10वां मुकाबले के पहली इनिंग्स के हाइलाइट्स के बारे में। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कराया जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक का जो बटन है उसको दबा दीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगर हम बात करें आज के मैच में, तो शाम को टॉस पे आज मुंबई इंडियंस के टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तान टॉस जीता था अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस के लिए, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और गेंदबाजी करने का फैसला जो था मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत साबित हुआ। और अगर हम बात करें आज देवदत्त पादिकल ने 40 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली, 5 चौके और 2 बेहतरीन छक्के लगाए, और ट्रेंड बोल्ट ने उनको चलता किया, कैच आउट करवाया कायरन पोलार्ड के हाथों में। इसके अलावा अगर हम बात करें एरन फिंच ने आज फाइनली जो है अपने हाथ दिखाए और 52 रन्स बनाए, आखिरकार 50 मारी दिया जिन्होंने, और 7 बेहतरीन चौके लगाए और एक आसमानी छक्का लगाया था आरन पिंच की बात करें तो। और विराट कोहली एक बार फिर से नाकामयाब रहे, आज फिर से नहीं चले अगर हम बात करें विराट कोहली की, और आए उसके बाद ए बी डिविलियर्स। डिविलियर्स की जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है, क्योंकि 24 गेंदों का सामना किया इन्होंने और टीम को 200 के पार तक पहुंचा दिया, और 24 गेंदों पर 55 रन बनाए हैं, 4 चौके और 4 आसमानी तूफानी गगनचुंबी छक्के लगाए इन्होंने। और अगर हम बात करें आखिरी में भारतीय बल्लेबाज आए शिवम दुबे, जिन्होंने 27 रन की पारी खेली, 10 गेंदों का सामना किया, 3 बेहतरीन छक्के लगाए और 1 चौका लगाया उन्होंने। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो आज के मैच में 2 विकेटें निकाली गेंदबाजी में मुंबई इंडियंस की ओर से, जेम्स पैटिनसन ने कोई विकेट निकाला। राहुल चहर की बात करें, राहुल चहर ने 4 ओवर में 31 रन दिए और 1 विकेट निकाला। और जसप्रीत बुमराह की बात करें तो आज एक्सपेंसिव रहे, कोई विकेट नहीं निकाला इन्होंने, 4 ओवर में 42 रन, कोई विकेट नहीं। कृणाल पंड्या की बात करें, 3 ओवर में 23 रन और बेहतरीन गेंदबाजी करी इन्होंने। इकोनॉमिकल रहे, पूरे 4 ओवर नहीं किए क्योंकि कायरन पोलार्ड ने 1 ओवर किया था और 13 रन दिया था। तो ये था लिखा जोखा पहले इनिंग्स का अगर हम बात करें तो, और 1 कैच रोहित शर्मा ने, 2 कैचेस कायरन पोलार्ड ने पकड़े, 201 रन बना पाया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 3 विकेटों के नुकसान के बाद अपने 20 ओवरों के बाद। नीचे कमेंट करके बताइए क्या मुंबई इंडियंस इस स्कोर को चेस कर पाएगी या नहीं, आप लोग नीचे कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।